सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होपफुली सब अच्छा होगा और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि 2023 के पेपर के बाद थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत है। तो ये वाली जो हमारी टॉप 5 सीरीज़ है ना, ये रेगुलर चलती रहेगी आपके साथ, और नए नए क्वेश्चन जो बनते हैं उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्लस कोशिश ये करूँगा कि इस छोटे से सेशन में आपको विद कॉन्सेप्ट बता सकूँ कि कॉन्सेप्ट के साथ चलने से कैसे हम इसको आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको एक ही बात बस फोकस करके बताना चाहूँगा, अगर थ्रू आउट द ईयर आप लोग फोकस रहोगे ना, कंसंट्रेटेड रहोगे ना, तो बहुत फ़ायदा मिलने वाला आपको। रीज़न क्या है इस बात का? रीज़न इसका ये है क्योंकि सी सेट अब आसान नहीं है, बट उनके लिए आसान है जो लगातार तैयारी करेंगे। क्योंकि अगर मैं बोलूँ ये 2 महीने का खेल है तो ये गलत होगा। अभी 2 महीने का खेल नहीं है, ये 2 महीने से कहीं ज़्यादा का खेल है। हमें प्रीवियस ईयर भी करना है, हमें नई तरह के क्वेश्चंस को भी करने हैं, हमें नंबर सिस्टम को अच्छे से करना है, हमें अर्थमेटिक उन टॉपिक्स को भी चूज़ करना है जो आसान हैं, जिनमें इजीली स्कोर किया जा सकता है, जिनमें से एक चैप्टर आज हम करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। समझे बच्चों? सो, अगर इन चैप्टरों को छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन बहुत दूर है, क्वालिफिकेशन तो दूर की बात है, आसपास भी नहीं भटक पाओगे। तो इनको अच्छे से करना है हमें, ठीक है? चलिए बेटा, आज मेरे पास है टाइम एंड वर्क टॉप 5, ठीक है? देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या, इसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं जिन्होंने टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा कैसे करेंगे। देखो मेरे पास क्या होता है, वर्क होता है मेरे पास टाइम इनटू ऑफ एफिशिएंसी, कॉन्सेप्ट रहता है ना, जैसे डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम भी इसी चैप्टर के अंदर ही एक तरह से, बट वो उसमें अलग सिनेरियो है। सो अगर मेरे पास वर्क कॉन्सेप्ट है, सो टाइम इनटू एफिशिएंसी, टाइम कितना आ गया 1/ एफिशिएंसी, एंड एफिशिएंसी क्या आ गया 1/ टाइम। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि अगर टाइम चाहिए तो एफिशिएंसी भी चाहिए मुझे, ठीक है? चलो देखते हैं जरा। बेसिकली अगर मेरे पास वर्क है, टाइम अगर ए का ले रहा हूँ तो एफिशिएंसी भी ए का लूँगा, वर्क है टाइम अगर बी है तो एफिशिएंसी भी बी की। वर्क निकालना है टाइम ए प्लस बी का है तो एफिशिएंसी भी किसकी होगी? ए प्लस बी की। समझ आ गई बात? चलिए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए जी, ए कैन कंप्लीट 1/6 ऑफ वर्क इन 5 डेज, बी कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ द सेम वर्क इन 15 डेज। देखिए क्या है मेरे पास, ए कैन कंप्लीट 1/6 ऑफ द वर्क इन 5 डेज, यानी 1/6 वर्क ऑफ ए 5 दिन में ख़त्म हो रहा है मेरे पास। सो ऐसा टाइम ऑफ ए कितना आ गया 30 डेज। इसका मतलब कि भाई ए अपना पूरा काम 30 के 30 दिन में ख़त्म कर रहा होगा, 30 दिन में, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, एंड बी कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ द सेम वर्क इन 15 डेज। सो बी बाय 4 कितने दिन में, 15 डेज। सो ऐसे टाइम ऑफ बी कितना आ गया मेरे पास 15, जो कि 60 डेज। ठीक है 60 डेज, इसका मतलब टाइम ऑफ ए कितना है मेरे पास, टाइम ऑफ बी कितना आपके पास 60 डेज। अब इसका टोटल वर्क क्या होता है मेरे पास, इन दोनों का एलसीएम, 30 और 60 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा आपके पास। सो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई मेरे पास 2, और एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई मेरे पास 1, ठीक है? सो मेरे को क्या निकालना है, विल बोथ वर्किंग टुगेदर कंप्लीट द वर्क। सो वर्क क्या होगा मेरे पास, टाइम ऑफ ए प्लस बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, ठीक है? वर्क है 60, टाइम ऑफ ए प्लस बी, और एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितने बेटा 3, तो कितना आंसर आ गया? देखो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, ये अच्छा क्वेश्चन था काफी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए कैन डू अ सर्टन वर्क इन 15 डेज, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन बी। देखो
अब यहाँ पे एफिशिएंसी की बात आ गई। सबसे पहले टाइम ऑफ ए कितना आ गया मेरे पास, 15 डेज। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देने, सो ए रेशो बी। अगर ये 4 है तो भाई ये 5 हो गया, ठीक है। और ये क्या आ गई मेरे पास, एफिशिएंसी, ठीक है। सो यहाँ पे वर्क क्या होगा मेरे पास, टाइम ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए। सो वर्क कितना हो गया मेरे पास, टाइम ऑफ ए कितना, 15 दिन, और एक एफिशिएंसी कितने बच्चों, 4, तो हो गया 60 यूनिट्स। मैं बोल सकता हूँ 60 यूनिट्स, यस आई कैन, ठीक है। सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 80 डेज। इसके पहले कुछ और लाइन थी, बोथ वर्किंग टुगेदर फॉर 4 डेज। सो अगर मैं इनकी वन डे की बात करूं, वन डे वर्क वो कितना है, 5 और 4 9 9 यूनिट्स। सो भाई 4 डे का वर्क कितना होगा, 4 × 9 कितना, 36 यूनिट्स। ठीक है, इसका मतलब 4 दिन में 36 काम कर दिया। अब रिमेनिंग वर्क कितना मेरे पास, देखो 60 − 36 = 24 यूनिट्स, ठीक है, 24 हो गया। सो ये रिमेनिंग वर्क किसे करना है, अब रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ सी इनटू एफिशिएंसी ऑफ सी। सो टाइम ऑफ सी कितना है, 8, तो यहाँ से क्या निकल गया, एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई, 3 यूनिट पर डे, ठीक है। जैसे इनकी क्या थी, 4 यूनिट पर डे एंड 5 यूनिट पर डे, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट, ए बी सी टुगेदर, तो भैया ये काम कितना काम हो गया, 60 इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इनटू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अगर ये 60 काम करना है और टाइम निकालना, तो एफिशिएंसी कितनी होगी, देखो 5, 4, 9 और 3 12 यूनिट्स, तो कितना आंसर आ गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए 5 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नोट कीजिए इसको, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में तो डरना नहीं भाई, करना है, ठीक है। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ सर्टन वर्क इन 20 डेज, ठीक है। वेयर एज बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन, देखो टाइम ऑफ ए प्लस बी कितना है, 20 डेज, टाइम ऑफ बी प्लस सी कितना है मेरे पास, 24 डेज, ठीक है। सबसे पहले इनका एलसीएम लेना बहुत ज़रूरी है, इनका एलसीएम लेना बहुत ज़रूरी है। 20 और 24 का एलसीएम कितना आ गया, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई बेटा मेरी, 120 बटा 20 कितना आ गया, 6, एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई मेरे पास, 120 बटा 24 = 5, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या दिया, ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज सी, यानी एफिशिएंसी ऑफ ए और एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी दिए मेरी, 2:1, ठीक है। देन इन व्हाट टाइम विल बी अलोन डू 40% ऑफ द इंटायर वर्क, यानी 40% ऑफ विच वर्क, अगर मैं इसको थोड़ा सा डार्क में लिखूँ, आपका कितना आई है आपके पास, 120, ठीक है, चलो अब साफ साफ दिख रहा होगा 120, ठीक है। अब सपोज करो मैंने सी को 1 माना, ठीक है, तो ये कितना आ गया, 4, अगर ये 4 आ गया तो डेफिनेटली ये कितना आ गया, 2 हो गया 1:2 में। मैंने सिंपल एक सिनेरियो लगाया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 1 और 2 ही मान के चल लिया, अगर नहीं सेटिस्फाई करता मैं कुछ और देखता, बट मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा हो जाता है इजीली, ठीक है। अब क्या कह रहा है, बी, सो 40% यानी 40/100
ऑफ 120 इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी इनटू एफिशिएंसी ऑफ बी 2/5 यानी 48 इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी और एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी है मेरे पास 4 तो कितना आंसर आ गया 12 ऑप्शन नंबर ए अगेन सही आंसर है क्लियर सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क के जो पेपर में आए तो छोड़ने नहीं बिल्कुल भी आप ठीक है चलिए टू डू अ सर्टन वर्क द रेशो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:7 वर्किंग टुगेदर एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 70 डेज एक्स अलोन स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट फॉर लेफ्ट आफ्टर 42 डेज वाई अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स ट्राई देखो टू डू अ सर्टन वर्क द रेशो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एक्स एंड वाई सो एफिशिएंसी की बात करूं मैं किसकी है भाई एक्स एंड वाई की कितनी होनी चाहिए 5:7 है वर्किंग टुगेदर एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 70 डेज सो मेरे पास टाइम ऑफ एक्स प्लस वाई कितना दिया हुआ है 70 डेज ठीक है इसका मतलब वर्क कितना हो गया मेरे पास टाइम ऑफ एक्स प्लस वाई इनटू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एक्स प्लस वाई सो अगर मैं वर्क की बात करूं तो कितना होगा टाइम कितना 70 और एफिशिएंसी कितनी 5 प्लस 7 तो 70 गुना 12 कितना हो गया 840 यूनिट्स ठीक है स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट देखो एक्स अलोन स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 42 डेज इसका मतलब मेरे पास वर्क ऑफ एक्स कितना होगा टाइम ऑफ एक्स एफिशिएंसी ऑफ एक्स सो वर्क डन बाय एक्स कितना है मेरे पास टाइम ऑफ एक्स कितना 42 डेज और एफिशिएंसी ऑफ एक्स कितनी है मेरे पास 5 तो ये कितना आ गया 210 यूनिट्स इज दैट क्लियर 210 यूनिट हो गया अब मेरे पास रिमेनिंग वर्क कितना है ध्यान से देखो रिमेनिंग वर्क कितना है मेरे पास आप कहोगे जी टोटल था अपने पास 840 उसमें से 210 हो गया तो कितना आ गया 630 रिमेनिंग बचा ठीक है अब ये रिमेनिंग वर्क करना किसने टाइम ऑफ वाई इंटू एफिशिएंसी ऑफ वाई बोल सकते हैं टाइम ऑफ वाई इंटू एफिशिएंसी ऑफ वाई सो रिमेनिंग वर्क कितना है 630 टाइम ऑफ वाई और एफिशिएंसी ऑफ वाई कितनी है मेरे पास 7 तो कितना आंसर आ गया ऑप्शन अगेन ऑप्शन ए सही है भैया ए सही हो जा रहा है क्या बात हो गया है ना अभी तो 2-3 क्वेश्चन सो दीज आर सम आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर टाइम एंड वर्क डन चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं चलिए बेटा टॉप 5 का शायद लास्ट ही क्वेश्चन होगा ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी ए टेक्स 24 डेज लेस देन बी टू कंप्लीट अ वर्क इफ दे वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड इंपॉर्टेंट कैन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिए देखिए ए इज थ्राइस एफिशिएंट एज बी यानी ए रेशो कितना बी है अगर एफिशिएंसी की बात करूं ए अगर एक है इज थ्राइस ओके ए थ्राइस है मेरे पास ठीक है ए टेक्स 24 डेज लेस देन बी देखो मैंने शुरू में आपको एक बात बताई थी वो इसलिए बताई थी कि वर्क क्या होता है मेरे पास टाइम इनटू एफिशिएंसी अगर ये कांस्टेंट है इफ कांस्टेंट तो मैं क्या बोलता हूं वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी एफिशिएंसी इज हाउ मच 1/टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू 1/एफिशिएंसी या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम और यहाँ से टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एफिशिएंसी ये मैं यहाँ पे साफ साफ बोल सकता हूँ ठीक है नेक्स्ट देखो इसका मतलब अगर मैं टाइम निकालूँ तो कितना आएगा
वन अपॉन थ्री रेशो वन अपॉन वन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो टाइम की रेशियो कितनी है, वन रेशो थ्री, कि ए अगर एक टाइम ले रहा है तो एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा है, तो बी कितना टाइम लेगा, तीन। ए ए टेक्स 24 डेज लेस, देखो यहाँ पे कितना कम आ रहा है, दो यूनिट, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना बोला मुझे 24, तो ए की वैल्यू कितनी हुई मेरे पास, ए की वैल्यू हुई 12। ध्यान से समझो इस बात को, ठीक है। सो इसका मतलब टाइम ऑफ ए कितना होगा भाई, 12, और टाइम ऑफ बी कितना होगा, 36, ठीक है। सो टाइम ऑफ ए कितना है मेरे पास, 12 डेज, टाइम ऑफ बी कितना है मेरे पास, 36 डेज। 36 ले लो इसका एलसीएम, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया, 3। और एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गया मेरे पास, 1। सो वर्क इज ग्रेट टाइम ऑफ ए प्लस बी इनटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। वर्क कितना अपने पास भाई, 36, टाइम ऑफ ए प्लस बी, और एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। आंसर कितना आ गया, 9 डेज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आज की क्लास में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे हो ना कर पाओ ये, बट आसान किसके लिए थे ये प्रश्न, ये क्वेश्चन आसान उनके लिए थे जो स्टूडेंट रेगुलर पढ़ाई और तैयारी रखेंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन मुश्किल थे असंभव तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है मेरे पास, मैं आपको बता दूं अभी कोर्स स्टार्ट हुआ है 10 जुलाई से, कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए, ठीक है। टाइमिंग है भाई 3 से 4:30 चल रहे हैं, 4 डेज अ वीक रहने वाला है, टोटल लेक्चर 180 प्लस है इसमें, इतने 180 तो उससे ज़्यादा ही है, देखो 90 है आपके पास। ये जो आपको क्लास लेक्चर्स मिलेंगे तो वो है जिसमें 50 क्वांट के हैं, 25 लॉजिकल के हैं, और 15 आपके पास इंग्लिश के हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर लेक्चर कितने मिलेंगे आपको, 15, इसको छोड़ के जो मिल रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू सेशंस कितने मिलेंगे, 50 प्लस, लाइव मेंटर 6 सेशन 30 प्लस, ठीक है। और वीकली डाउट सेशन आपका रहेगा जूम पे, क्लास में वैसे डाउट्स आपके ले लिए जाते हैं, बट अगर फिर भी आते हैं तो हम जूम पे आपके डाउट सेशन ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास माइक्रो कोर्सेज, जो एक वो कहते हैं ना रामबाण रहता है हमेशा ही किसी भी कोर्स के लिए, नॉट इवन सी सेट। क्या है माइक्रो कोर्स, माइक्रो कोर्स वो तरीका है अभिमन्यु आईएएस का या बीपीडीआ बोलिए आप, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, जिसके अंदर आप अपने उस एरिया को फोकस करते हैं जिसमें आपकी जो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, जिसे आप स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं, जैसे नंबर सिस्टम, क्लियर। तो वो चीज़ों को फोकस करना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैं बताऊँ आपको, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा आपका स्ट्रक्चर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बेटा मिल जाएगा, ठीक है। देखिए मुझे जाना है सिविल सर्विसेज सीसेट, देखो आपके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, जैसे ऑल सब्सक्रिप्शन यहाँ आपको मिल जाएंगे, वीडियो कोर्सेज आ गए, टेस्ट कोर्सेज आ गए, और माइक्रो कोर्सेज पे जाना है हमें, ठीक है। यहाँ पे आप अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिए और यहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर जब आप डालेंगे बेटा, कॉल भी है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, तो टीम आपके साथ जुड़ जाएगी। देखिए जैसे मैथ एंड मेंटल एबिलिटी की बात करूं मैं तो स्टूडेंट जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैथ एंड मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, तीनों के हमारे पास माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो प्लीज़ देखिए इनको, अवेल कीजिए और फ़ायदा उठाइए कुछ रुपयों में एक बढ़िया सा चैप्टर करने के लिए, चाहे नंबर सिस्टम हो चाहे कोई भी चैप्टर हो, आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।